Assalamu alaikum, students of class 6. Today we are going to begin your second unit, and this is the first video for your second unit. The title of the unit is The Cow That Lost Her Moo. Yes, I know that it is a different title. Title ka matlab hai wo gaay jiski awaaz gum ho gayi. Moo kisko kehte hain? Moo kehte hain gaay ki awaaz ko. Theek hai? वो गाय जिसकी आवाज गुम हो गई. सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर. फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द राइटर. द काउ दैट लॉस्ट हर मू वॉज रिटन बाय एनेट ब्लिटन. एनेट ब्लिटन का नाम शायद आपने पहले भी सुना हो. वो बच्चों के बारे में बहुत सारी स्टोरीज उसने लिखी हैं, बच्चों के लिए लिखी हैं, और बहुत से बच्चे उसकी स्टोरीज बड़े शौक से पढ़ते हैं. Annett Blyton was a British children's writer known for her famous five series. Famous five series, Annett Blyton की एक series है. Famous five के बहुत सारे छोटी छोटी novels थे जो बच्चे पढ़ते हैं, अभी भी available हैं. And she is a British children's writer. She wrote more than 800 books, mostly adventure and fantasy stories. 800 से ज़्यादा किताबें उसने लिखी हैं, और mostly उनकी adventure stories होती हैं जिसमें बच्चे मिलके कोई adventure कर रहे होते हैं, कोई मुजरमों का gang पकड़ रहे होते हैं, कोई चोरी का सुराग लगा रहे होते हैं, और इसके अलावा fantasy stories भी लिखी हैं जिसमें जादू, भूत, प्रेत, इस किस्म की चीज़ें भी होती हैं. So let's begin reading the chapter. There was once a pretty cow called Buttercup. एक दफ़ा एक बहुत प्यारी सी गाय जिसका नाम Buttercup था वो रहती थी. Everyone was very fond of her for she was a gentle creature though rather stupid. हर कोई उसको पसंद करता था क्योंकि वो एक बहुत नरम तबीयत की मखलूक थी. जेंटल क्रीचर, नरम दिल, नरम तबीयत की मखलूक, दो रादर स्टूपिड, अगरचे कि वो थोड़ी सी बेवकूफ़ थी. रादर स्टूपिड, थोड़ी सी शायद बेवकूफ़ थी. शी लिव्ड इन अ बिग फील्ड विद 12 अदर काउज एंड शी वॉज द प्रीटीएस्ट ऑफ द लॉट. वो कहाँ पे रहती थी? वो 12 दूसरी गाय जो थी उनके साथ एक बड़े से खेत में रहती थी, और वो उन सब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी. प्रीटीएस्ट ऑफ द लॉट का मतलब है, यहाँ पर प्रीटीएस्ट ऑफ द लॉट का मतलब है कि वो उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, उन सब 12 गायों से ज़्यादा खूबसूरत थी. वन डे शी कॉट अ कोल्ड एंड शी लॉस्ट हर वॉइस. एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि उसको ज़ुकाम लग गया. कॉट अ कोल्ड का क्या मतलब है? ज़ुकाम लग गया. और एंड शी लॉस्ट हर वॉइस, और उसकी आवाज़ गुम हो गई. अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमें खांसी ज़ुकाम लग जाए, नज़ला लग जाए, गला ख़राब हो जाए, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स मुतासिर होते हैं, हमारा गला मुतासिर हो जाता है बोलने की सलाहियत, और हम नहीं बोल सकते. ऐसा ही उस गाय के साथ हुआ. शी ट्राइड हर हार्डेस्ट टू मू लाउडली जस्ट एज शी हैड ऑलवेज डन. उसने अपनी पूरी कोशिश की. हर हार्डेस्ट, ट्राइड हर हार्डेस्ट, ट्राइड माने कोशिश करना, हार्डेस्ट अपनी पूरी कोशिश की, जितनी कोशिश वो कर सकती थी, टू मू, ताकि वो अपनी ऊंची सी आवाज़ निकाले. गाय की आवाज़ मू की तरह की होती है, तो उसने कहा कि मैं ऊंची सी आवाज़ निकालूं, जैसा कि वो पहले हमेशा निकाला करती थी. अब इसके बाद आप देखें तो ये छोटी सी डैश है. इस डैश का मतलब है कि राइटर थोड़ी देर यहाँ पर पॉज दे रहे हैं, लेकिन अगला हिस्सा जो है जुमले का वो पिछले से जुड़ा हुआ है. ठीक है, ये अलग सेंटेंस नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे बट जो है इट इज़ नॉट स्टार्टिंग विद अ कैपिटल बी, बट इज़ रिटन विद अ स्मॉल बी, राइट. सो ये पिछले जुमले का हिस्सा है, अगरचे बीच में एक छोटी सी डैश है. But it wasn't any good at all. लेकिन उसकी पूरी कोशिश भी किसी काम ना आई और उसका कोई फ़ायदा ना हुआ. Not the tiniest bit of moo came out of her big mouth. छोटी सी आवाज़, यानी tiniest bit of moo, मतलब बिल्कुल छोटी सी आवाज़ भी moo की उसके मुँह से ना निकली. उसका मुँह तो इतना बड़ा था, big mouth, लेकिन उसमें से आवाज़ छोटी भी नहीं निकल रही थी. आखिर उसका गला जो ख़राब था.
बटर कप, बटर कप कौन है जी? बटर कप है वो गाय जिसकी कहानी हम सुन रहे हैं. बटर कप हैड नो वॉयस एक्सेप्ट अ स्मॉल विस्पर दैट साउंडेड रादर लाइक ड्राई लीव्स रसलिंग टुगेदर. बटर कप की कोई भी आवाज नहीं थी सवाय इसके कि एक छोटी सी सरगोशी. विस्पर क्या है? सरगोशी. दैट साउंडेड रादर लाइक ड्राई लीव्स रसलिंग टुगेदर, जो कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सूखे हुए पत्ते आपस में सरसराहट की आवाज. ड्राई लीव, सूखे हुए पत्ते, रसलिंग टुगेदर, जब सूखे पत्ते आपस में रगड़ खाएं या कोई एक सिल्क का कपड़ा आपस में रगड़ खाए तो जो खिश-खिश की आवाज आती है उसको रसलिंग टुगेदर, सरसराहट. उर्दू में इसके लिए द राइट वर्ड फॉर रसलिंग इन उर्दू इज सरसराहट. ठीक है, सरसराहट की आवाज. तो उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ इतनी आवाज निकल रही थी कि वो एक छोटी सी सरगोशी बन सके या जैसे कि खुश्क पत्तों की आपस में रगड़ खाने की आवाज होती है. दिस विल नेवर डू, थॉट बटर कप टू हर सेल्फ इन अ ग्रेट फ्राइट. ये तो काम ऐसे नहीं चलेगा. दिस विल नेवर डू, ये तो मेरी आवाज कहीं चली ही गई, ये तो मेरी आवाज हमेशा के लिए चली गई. बटर कप इतनी ज्यादा परेशान हो गई. ग्रेट फ्राइट, बहुत ज्यादा खौफ के आलम में. फ्राइट कहते हैं खौफ को, और ग्रेट फ्राइट, बहुत ज्यादा खौफ में बटरकप ने सोचा कि ये मेरी आवाज तो शायद हमेशा के लिए चली गई है. इट मस्ट गेट सम सॉर्ट ऑफ, आई मस्ट गेट सम सॉर्ट ऑफ वॉइस. मैं जरूर किसी ना किसी तरह की आवाज तो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि आवाज के बगैर तो वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकती. आई कांट गो अबाउट विस्परिंग, मैं सारी जिंदगी सरगोशियां तो नहीं. आई कांट गो अबाउट विस्परिंग, मैं सारी जिंदगी कोई सरगोशियां थोड़ी कर सकती हूँ. गो अबाउट का मतलब है हमेशा के लिए. ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि मैं सिर्फ सरगोशी में बातें करूं. इवन द डक्स इन द पॉन्ड ओवर देयर हैव अ लाउडर वॉइस देन आई हैव. जो तालाब के किनारे बतख हैं उनकी भी आवाज मुझसे ऊंची है, उनकी आवाज भी मेरे से ज्यादा ऊंची है. देयर हैव अ लाउडर वॉइस देन आई हैव. इफ आई कांट मूव परहैप्स आई कैन लर्न टू क्वैक. बटरकप ने सोचा कि अगर मैं मूव नहीं कर सकती तो एटलीस्ट मुझे ये तो सीखना ही चाहिए कि मैं क्वैक क्वैक कर लूं. अब क्वैक क्वैक किसकी आवाज है? बतख की आवाज. और बतख की आवाज जो कि उसको तालाब के किनारे से आ रही थी, उसी को सुन के उसने सोचा कि अगर मैं अब गाय की आवाज नहीं निकाल सकती तो कम से कम मैं बतख की आवाज तो निकालूं. सो दैट नाइट व्हेन द लिटिल फोक्स केम रनिंग आउट इन द फील्ड, बटरकप विस्पर्ड टू वन ऑफ देम. तो उस रात को जब छोटे छोटे लोग, बेटा लिटिल फोक्स का वैसे तो मतलब है छोटे छोटे लोग, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एनिड ब्लिटन फैंटेसी स्टोरीज भी लिखते हैं, लिखती है, तो फैंटेसी स्टोरीज वो होती हैं जिनमें कोई परियां हो या जिन हो या भूत हो. ठीक है, तो यहाँ पर लिटिल फोक्स का मतलब है वो छोटे छोटे बोने जो छोटे छोटे जादू भी जानते हैं, छोटी सी उनके पास स्पेल्स भी होते हैं, मैजिक भी होता है. ठीक है, तो वो छोटे से बोने जिनके लिए आगे एनिड ब्लिटन ने पिंक टी का मतलब यूज किया. ठीक, तो यहाँ पर लिटिल फोक्स वैसे कहते हैं छोटे लोग, फोक्स होते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर मतलब है छोटे बोने. जब वो छोटे छोटे बोने या छोटे छोटे लोग खेत में दौड़ते हुए आए, बटरकप विस्पर्ड टू वन ऑफ देम. बटरकप ने उनमें से एक से कहा, बटरकप विस्पर्ड टू वन ऑफ देम, उनसे सरगोशी में कहा, क्योंकि जाहिर है आवाज तो उसकी थी नहीं, तो उसने सरगोशी में उनसे कहा, पिंक टी आई हैव लॉस्ट माई लवली मू. पिंक टी, मैं अपनी खूबसूरत आवाज, लवली मू जिसके जरिए मैं बोला करती थी, वो मेरे से गुम हो गई है. कुड यू गेट मी अनदर वन डू यू थिंक, क्या तुम मेरी ये मदद कर सकते हो, कि क्या तुम समझते हो, क्या ये सोचते हो कि तुम मेरी मदद कर सकते हो. कुड यू गेट मी अनदर वन, क्या तुम मेरे लिए एक और आवाज ला सकते हो, क्योंकि मेरी तो आवाज ही गुम हो गई है. और एट एनी रेट गेट मी अनदर वॉइस ऑफ सम सॉर्ट, या किसी भी तरह मुझे कोई आवाज ला के दो, किसी और तरह की कोई आवाज ला के दो. आई हेट टॉकिंग इन अ विस्पर लाइक दिस, मुझे तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं सरगोशियों में बात करूं. ये बात तो बिल्कुल मेरे लिए काबिले कबूल नहीं है कि मैं सारी उम्र सरगोशियों में बात करूं. इट इज सो स्टूपिड फॉर अ लार्ज काउ लाइक मी टू हैव सच अ टाइनी विस्परी वॉइस.
ये तो इतना बेवकूफाना लगता है, इट इज़ सो स्टूपिड, मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ कि इतनी बड़ी गाय एक छोटी सी टाइनी विस्परी आवाज़ में बात कर रही है। बेटा आपको पता होगा ना विस्पर कैसी होती है, सरगोशी, जिसमें ऊंची आवाज़ बिल्कुल ना आ रही हो और सरगोशी में बात कर की जा रही हो और बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात की जाए, उसको कहते हैं विस्परी वॉइस। तो कितना अजीब लगेगा कि एक बड़ी सी मोटी ताज़ी गाय बहुत ही सरगोशी की आवाज़ में, आहिस्ता आवाज़ में बात करे। तो इसलिए बटर कप को भी ये बहुत बुरा लग रहा था। पिंकी लुक्ड एट द लार्ज काउ एंड ग्रिंड ऑल ओवर हिज चीकी लिटिल फेस। अब पिंकी जो था उसके पास जादू तो था लेकिन वो शरारती भी बड़ा था। उसने बड़ी सारी गाय को देखा और ग्रिंड, ग्रिंड का मतलब क्या होता है, एक मुस्कुराहट जिसमें थोड़ी सी शरारत, थोड़ा सा तंस, वो भी छुपा हुआ हो। तो उसने क्या किया, अपनी चीकी लिटिल फेस, छोटा सा जो चालाक सा उसका चेहरा था, उसके ऊपर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने दिल में सोचा, चलो एक मौका मिला है एक शरारत करने का, क्यों ना एक शरारत की जाए। आई कांट गेट यू अ मो, मैं तुम्हें तुम्हारी असली आवाज़ तो नहीं ला के दे सकता, वो जो गाय की आवाज़ थी मू, वो तो मैं ला के नहीं दे सकता। बट आई कुड गेट यू अ क्वैक इफ यू लाइक, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें क्वैक क्वैक की आवाज़ ला के दे सकता हूँ। क्वैक की आवाज़ किसकी होती है बेटा, बतख की। आपने बतख देखी होगी, उसकी आवाज़ कैसे होती है, क्वैक क्वैक। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें क्वैक क्वैक की आवाज़ ला के दे सकता हूँ। आई नो दोज डक्स वुड स्पेयर मी वन इफ आई आस्क देम, वहां पर कुछ बतखें हैं, मैं उनसे कहूंगा कि मुझे एक आवाज दे दो और वो मैं तुम्हें ला दूंगा। अगर मैंने उन बतखों से वो आवाज मांगी तो वो मुझे ला दे, मुझे दे देंगी और वही आवाज मैं तुम्हें ला दूंगा। बेटा पहले इस पेज के वर्ड्स मीनिंग्स कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। फॉन्ड का मतलब है मुश्ताक या पसंद करना या शौक रखना, ठीक है। प्रीटी खुशनुमा खूबसूरत। टाइनीएस्ट बिट छोटा सा, बहुत छोटा सा। विस्पर सरगोशी, रसलिंग सरसराहट, फ्राइट खौफ, फोक्स लोग, ग्रिन मुस्कुराहट। बेटा ये वर्ड्स मीनिंग सारे आपने अपनी कॉपी में नीट नोटबुक में लिखने हैं। आप अगर अपने फर्स्ट पेज के ऊपर टॉप पे देखें तो वहां पर कुछ वर्ड्स मीनिंग्स दिए हुए हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं और फिर उसके बाद हम आगे रीडिंग करते हैं। क्रीचर का मतलब है एनी लार्ज और स्मॉल लिविंग थिंग, ये भी आपके फर्स्ट पेज पर आया है। क्रीचर का मतलब होता है मखलूक, लफ्जी मतलब इसका क्या है, मखलूक। फॉन्ड हैविंग अ ग्रेट लाइकिंग फॉर समवन और समथिंग, किसी को बहुत पसंद करना या किसी चीज़ को बहुत या किसी इंसान को बहुत पसंद करना। विस्पर स्पीकिंग वेरी क्वाइटली, ग्रिन अ वाइड स्माइल बड़ी सी मुस्कुराहट। लिम्प टू वॉक अनइवनली एंड स्लोली, लिम्पिंग का मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना, लंगड़ा कर चलना, अनइवनली लड़खड़ा कर। स्कैम्प अ बैडली बिहेव्ड बट प्लेफुल चाइल्ड, स्कैम्प किसको कहते हैं बेटा, जो कि प्लेफुल हो, जो कि खेलने में उसके साथ मजा तो आए लेकिन हो वो बदतमीज, उसके मैनर्स अच्छे ना हो, तो उसको कहते हैं अ बैडली बिहेव्ड, हो वो शरारती और कोई बदतमीजियां भी करता हो लेकिन उसके साथ वो खेलने में मजे का खेलता हो, उसको स्कैम्प कहते हैं। रोग अ पर्सन हु बिहेव्स बैडली बट हुम यू स्टिल लाइक, रोग मीन्स एक ऐसा बंदा जो कि बदतमीजी से बिहेव करता हो लेकिन फिर भी आपको पसंद हो। अब आज तक ऐसा होता है कि कुछ शरारती बच्चे होते हैं क्लास में और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है या उनके साथ खेलने में वैसे ही आपको मज़ा आता है लेकिन होते वो शरारती हैं, कभी वो आपका लंच खा लेते हैं, कभी वो आपको और किसी तरह तंग करते हैं, तो आप तंग तो होते हो लेकिन उनसे दोस्ती नहीं छोड़ते हो, ठीक है। विस्क टू मूव समथिंग क्विकली, विस्क कहते हैं मिक्स करने को, तेजी से हिलाने को, जैसे अगर दही को फेंटा जाए तो फेंटने को भी विस्किंग कहते हैं, अंडे को फेंटने को भी विस्किंग कहते हैं। मिस्चीवस नॉटी, ये वर्ड क्या है बेटा, इसको दोबारा पढ़ें। मिस्चीवस, मिस्चीवियस होता है नॉटी, शरारती। चीकी,
चीकी का मतलब है स्लाइटली रूड और शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट बट ऑफन इन अ फनी वे. चीकी होता है शरारती सा और थोड़ा सा बदतमीज भी हो, लेकिन थोड़ा सा रूड भी हो, लेकिन अमूमन शरारत के रंग में हो. ठीक है, ये पिंक टी के लिए वर्ड यूज हुआ है. चीकी लिटिल फेस, कि उसका शरारती सा था, वो ऐसी शरारत करने का सोच रहा था जिससे बटर कप का खूब मजाक उड़ेगा. जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. बटर कप नॉडेड हर हेड. बटर कप ने अपना सर हिलाया क्योंकि पिंक टी ने उसको कहा था. अगर आपको याद हो तो फर्स्ट पेज पे हमने पढ़ा था कि पिंक टी ने उसको कहा था कि मैं तुम्हें बतख की आवाज ला देता हूँ. ऑफ वेंट पिंक टी, स्पोक टू द डॉग्स, देन केम बैक विद समथिंग रैप्ड अप इन अ डॉग लीफ. ऑफ वेंट पिंक टी मतलब जल्दी से दौड़ता दौड़ता पिंक टी गया, जाके स्पोक टू द डॉग्स, डक्स से बातचीत की, देन केम बैक वापस आया विद समथिंग रैप्ड अप इन अ डॉग लीफ. डॉग लीफ क्या होता है बेटा? डॉग एक किस्म का पौधा है और उसके पत्ते में कुछ लपेट के लाया. हेयर यू आर, ही सेड टू द ग्रेटफुल काउ. वो आया और आके उसने गाय को कहा, ये लो जी, खुशी खुशी से. हेयर यू आर, हेयर यू आर बेटा इंग्लिश का मुहावरा है और इसका ये मतलब हम नहीं करेंगे कि यहाँ तुम हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि हियर यू आर, आपके लिए मैं ले आया जो आपको चाहिए था. ठीक है, या आपका काम मैंने कर दिया जो आपको चाहिए था. ही सेड टू द ग्रेटफुल काउ. ग्रेटफुल क्या होता है? ग्रेटफुल होता है शुक्रगुजार. स्वॉलो दिस एंड यू विल फाइंड यू हैव अ फाइन न्यू वॉइस. स्वॉलो दिस, इसको खा लो, इसको निगल लो, एंड आपको क्या मिल जाएगा उसके बदले? आपको एक नई अच्छी सी आवाज मिल जाएगी. ठीक है, सो बटर कप स्वॉलोड डाउन द डॉग लीफ विद द क्वैक स्पेल इन साइड. एट वंस शी फाउंड दैट शी कुड क्वैक. बटर कप ने क्या किया कि वो जो डॉग लीफ में लिपटी हुई चीज लेके आया था पिंक टी, उसने जल्दी से निगल ली और उसमें क्या था? उसमें जादू था. क्वैक स्पेल, क्वैक स्पेल का मतलब है बत्तख की आवाज वाला जादू था. एकदम से, एट वंस का क्या मतलब है? एकदम. उसको क्या मिल गया? एकदम से उसको पता चला कि वो तो क्वैक की आवाज निकाल सकती है. यू शुड हैव हर्ड हर. अब यहां पर ना राइटर आपसे बात कर रहा है, रीडर से बात कर रहा है, मैं और आप जो स्टोरी को पढ़ रहे हैं ना उनसे बात कर रहा है. यू शुड हैव हर्ड हर. और देखें आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है. ये क्या है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. इसका मतलब ये कि अगर आप सुनते तो आपको मजा आ जाता. ठीक है, कि इतनी बड़ी बतख और आवाज किसकी निकाल, इतनी बड़ी गाय और आवाज किसकी निकाल रही है? बतख की. रियली इट वॉज फनी टू हेयर अ बिग काउ क्वैकिंग अवे फॉर ऑल शी वॉज वर्थ. वाकई में ये तो बहुत ही मजाहिया सीन था कि इतनी बड़ी गाय क्वैक क्वैक कर रही है और वो बेचारी कर भी यही सकती थी क्योंकि इसके अलावा तो उसके पास कोई आवाज ही नहीं थी. इस काबिल, वर्थ का मतलब होता है बेटा काबिल या कीमत. यहां पर इसका मफहूम ये है कि वो इसी काबिल थी कि बेचारी सिर्फ बतख की आवाज निकाल सकती, क्योंकि अपनी आवाज तो उसकी गुम गई थी और वो क्वैक स्पेल के जरिए पिंक टी ने उसको बतख की आवाज दे दी थी. हर फ्रेंड्स केम अराउंड हर इन सरप्राइज. उसकी सारी फ्रेंड्स उसके इर्द गिर्द जमा हो गई और सब की सब बहुत हैरान थी. सरप्राइज क्या होता है? बहुत ही हैरत अंगेज बात. वो किस बात पर हैरान थी? वो इस बात पर हैरान थी कि बटर कप जो थी वो बतख की आवाज निकाल रही थी. वर्ड्स मीनिंग्स देख लेते हैं. नॉडेड सर हिलाया, रैप्ड लपेटना, डॉग लीफ एक खास किस्म का पौधा, ग्रेटफुल का मतलब है शुक्रगुजार. बेटा ग्रेटफुल की स्पेलिंग देख लीजिएगा, अक्सर बच्चे जी आर ई ए टी लिख देते हैं, वो गलत है. जो कि ग्रेट की स्पेलिंग तो अलग से, ग्रेट का मतलब होता है बड़ा और उसकी स्पेलिंग जी आर ई ए टी होती है, लेकिन ग्रेटफुल जब शुक्रगुजार के मानों में इस्तेमाल होता है तो उसकी स्पेलिंग जी आर ए टी ई एफ यू एल है. स्पेल मतलब जादू. हरिड ऑफ जल्दी से रवाना हुआ. वर्थ काबिल. सरप्राइज हैरतअंगेज बात. स्वॉलो निगलना. बेटा आज हम इतनी ही रीडिंग करेंगे. आपने एक दफा ये रीडिंग अच्छी तरह से करनी है और इसका मीनिंग अच्छे तरीके से समझना है. अगली वीडियो में आपको आगे की स्टोरी सुनाएंगे कि बटर कप के साथ इसके बाद क्या हुआ.
तमाम वर्ड्स मीनिंग्स आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, उनके उर्दू मीनिंग्स भी साथ लिखने हैं।